हैंगिंग प्रॉब्लम सबको रहती है आज के डेट में, आपको भी होगी। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा समाधान लाया हूँ। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, आपको समझ जाएंगे। जो जो स्टेप बताया मैं आपको पूरा फॉलो करिए, वीडियो पूरा देखिएगा। और फेसबुक मतलब से रिलेटेड है कुछ तो वीडियो देख लीजिए। मेरा नाम है, स्टार्ट कर देंगे। स्पेस प्रॉब्लम आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पबजी खेलना हो, स्पेस चाहिए, हर चीज़ के लिए स्पेस ही ज़रूरी है। पहले तो बैटरी बैकअप की प्रॉब्लम थी, वो अब सॉल्व हो गई, तो स्पेस की प्रॉब्लम सबको रहती है। मेरा भी स्पेस करीब करीब फुल हो गया है। पबजी ओपन करता हूँ तो मुश्किल से 200-300 MB बचता ही है। तो आपको स्टोरेज बचाने के लिए सबसे पहले फेसबुक तो आप सब यूज़ करते ही होंगे, और मैसेंजर जानी बात है यूज़ करेंगे ही, फेसबुक यूज़ करें तो आपको करना क्या होगा, आपके फ़ाइल में जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, मेरे में तो बहुत हैं, तो आप इसको पहले तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर रखा है, अभी ये 200 फ़ोटोज़ हैं और 100 फ़ोटोज़ उधर थी। तो आप ये सब कॉपी करके फिर आप इसको करना क्या होगा आपको, कि आपके पास एक दूसरी आईडी होनी चाहिए फेसबुक की, जिसे आप यूज़ करते हो या ना करते हो, बस उसमें मैसेज मतलब पहुंच जाए। और या फिर आप अपने किसी फ्रेंड की आईडी ले सकते हैं। तो आप ये फ़ोटो सब सेलेक्ट करके इसको अपनी किसी दूसरी आईडी में मैसेंजर से आप सेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मैसेंजर में आपकी फ़ोटो फटती भी नहीं है और सेव रहती है, और आप उसे जब चाहें तब मैसेंजर ओपन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका स्पेस बहुत ही बचता है, मतलब स्पेस प्रॉब्लम नहीं रहती है। और अगर आप जैसे कि ये मेरी दूसरी आईडी है, तो मैं इसमें इसको फ़ोटो को सेंड कर देता हूँ। ये सेंड हो गया। तो मैसेंजर में क्या है कि आप करने को तो वैसे ड्राइव में भी कर सकते हैं, बट ड्राइव में क्या है, लिमिट देता है 15 GB तक की। तो इसमें आप 15 GB से ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। और मैसेंजर सबसे अच्छा मतलब समाधान है, एक तरफ से जो भी बोल लीजिए। उसमें आप कितने भी फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ सेंड करके और मतलब रखते हैं, और जिसे आप जब चाहें तब मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ये आप इधर से आप इसको अपने फाइल में सेव भी कर सकते हैं। इससे आपका क्या स्टोरेज प्रॉब्लम मतलब नहीं रहती, एकदम ख़त्म ही हो जाती है, और कम आपका डाटा भी यूज़ होगा और फ़ोटो भी आपकी नहीं फटेगी, स्टोरेज प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। आप इसके बाद जब सेंड हो जाता है तो फिर आप अपनी इसको फाइल से जो है डिलीट कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। तो आपका स्पेस भी बचा रहेगा, और मान लीजिए बाई चांस आप नहीं भी डिलीट करते हैं तो रखे रहते हैं, तो कभी कभार ये होता है कि मतलब हमारे फ़ोटोज़ जो है गलती से डिलीट हो जाते हैं। तो बैकअप एक बार ज़रूरी है बना के रखना। और फ़ोटो डिलीट हो गई तो आप मैसेंजर ओपन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और स्टोरेज प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप मैसेंजर में जो है मतलब फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर दीजिए, जो आपकी फालतू फ़ोटोज़ वगैरह हैं आप यूज़ नहीं करते उसको आप मैसेंजर में सेंड कर दीजिए, फिर आपको जब चाहिए तो मैसेंजर को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, टाटा बाय।